परेशान वर्ष हो गए मेरी फिल्म रिलीज नहीं हुई। मुझे ऐसा लगा कि संबंध में इस तरीके से मैं आप लोगों के साथ संबंध बनाए रखूं और ये यहाँ की यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ। धन्यवाद दूंगा विकास कलंत्री जी को, धन्यवाद दूंगा आदरणीय अनिरुद्ध जी को, वीडियोकॉन के लिए धन्यवाद कहूँगा। मैं अनिरुद्ध जी को तब से जानता हूँ जिस वक्त ये बहुत छोटे हुआ करते थे, और ऐसे बच्चों के लिए हमेशा ये होता है कि हम लोग कहते हैं कि आप बड़े होकर बहुत बड़े आदमी हो जाएंगे, ये तो छोटे थे तब से ही बड़े आदमी हैं। तो ऐसी ईश्वर की कृपा हमेशा रहे इन पे, और मैं माई से प्रार्थना करता हूँ। और बड़े व्यक्ति की ये खासियत होती है कि वो आर्ट का साथ आर्ट के साथ होता है, और ये आर्ट हमेशा माई की कृपा से, हमेशा भी नहीं हर समय माई की कृपा से हम लोगों में है, हर तरह से है, ये हमेशा माई की कृपा से रहे हम लोगों के साथ, यही प्रार्थना करता हूँ। और समीर के लिए धन्यवाद दूंगा, आप कृपया समीर जी इधर आइए। समीर जी का म्यूजिक है, जिस वक्त समीर जी से मैंने कहा कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं गीत गाऊँ, बहुत समय से फिल्म रिलीज नहीं हुई है, तो यूजुअली होता ही है कि एक्टर कहे और म्यूजिक डायरेक्टर मान जाए, ये ऐसा भी नहीं होता। तो समीर जी तैयार हुए और ये गीत बहुत अच्छे हुए, तो मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय समीर जी का, मैं धन्यवाद देता हूँ पूजा का, अब आदरणीय हूँ। और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये बहुत सफल और कामयाब रहे, और माई की कृपा ऐसी रहे कि ना शब्द दोष आए, ना वास्तु दोष आए, किसी भी तरह का कोई कष्ट ना हो, और नवरात्र में ये गीत जो है बहुत फेमस हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद, कहीं कोई नाम रह गया हो तो मैं और क्षमा मांगता हूँ। First of all, thank you so much all of you for coming here, and a big thanks to Vikas Bhagwat. It's all because of him. हमें actually time हमारे पास बहुत ही कम था, even he was shooting, मैं shoot करी थी, पर ये पूरा event organize करना, start to end सब कुछ follow up करना, सब पूरा idea सब कुछ विकास का है. Very thank you very much विकास. Please come on the stage. एक बार आ जाए please. Okay, and firstly मैं I want to thank him, and matlab this is still a dream for me, and I guess it's one of the dream came true for me the day I met him, and humne aise hi matlab main inse pehli baar mili aur lagane ki main inse baat pehli baar mil rahi hu, aur humne aise baat kiya aur baaton mein album ke bare mein baat hui, aur aaj ye ho gaya hai, aur actually aaj iska launch hai to mujhe ab tak vishwas nahi ho raha hai, main thodi si nervous hu, aur mujhe lagta hai ki it's my good luck or my whatever you say destiny ke I got this opportunity to share the screen with him, and matlab mere liye isse badi khushi ki baat hai aur kuch nahi ho sakta, the person whom I look up to, my best actor ever and a versatile actor as we all know, matlab wo bhi acting or dancing and now singing also, all of you can listen to his songs, मतलब fabulous, and मैंने जब पहली बार सुना तो तभी मुझे लगा था कि ये मुझे ही करना है, और मैं चाहती हूँ आप सब लोग ये सुने गाना और देखे भी, अभी विल शो यू द वीडियो ऑल्सो, एंड सब इन्जॉय करें इस गाने को, स्पेशली नवरात्रि का अभी जो ये जो एक गोरी तेरा नैना जो हमारा टाइटल सॉन्ग है एल्बम का, वो उसमें हमारे थोड़े नवरात्रि के बीट्स हैं, और इसीलिए हम चाहते थे कि ये नवरात्रि में हम लोग इसको लॉन्च करें, तो इसीलिए इतनी जल्दी जल्दी में, एंड बिग थैंक्स टू यू ऑल्सो फॉर बींग अ पार्ट ऑफ दिस, एंड ऑफ कोर्स यू फॉर द लवली म्यूजिक, और आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग हियर, एंड प्लीज़ आई होप कि आप लोग सब इसे सुने और पसंद करें, आई एम श्योर कि पसंद ऑफ कोर्स करेंगे, थैंक यू सो मच। I want to say that as we all know, Chichi Bhaiya is an epitome of talent, a complete human being, and I have now known him for the last half a decade from extremely close quarters, and I've been seeing him from my growing up years, and I didn't know that I would get an opportunity to
to associate myself with this legend of sorts, and I'm extremely grateful because we're just not associated professionally, but he's like an elder brother to me. And so when I used to do films like Page 3, Corporate Signal, we used to get national awards and stuff, but I was always dying to do commercial music, and he's given me that window. So Bhaiya, I'm extremely grateful to you, and it's just the tip of the iceberg and the beginning of a long journey with all of us. Thank you. समय हो गया मेरे गीत जो है, मैं गीतों से लोगों के दिल में आया और लोग मुझे बहुत प्रेम कर रहे थे गीतों की वजह से, और बहुत समय से ये समय आ गया, ऐसा दौर आ गया कि हर आर्टिस्ट की ज़िंदगी में ऐसा होता है कि कहीं से वो फिर शुरुआत करता है, और मेरे साथ ऐसा दो तीन टाइम हो गया कि मुझे शुरुआत करनी पड़ी, और मुझे ये लगा कि ये गीत से मैं शुरुआत करूँ, और इसके बोल मुझे बहुत अच्छे लगे तो मुझे ऐसा लगा कि शुरुआत के लिए सही है। ये पूजा से मैं मिला जिस वक्त समुंदर पे, यहाँ पे तो मेरे अल्फाज ऐसे निकले कि मैं कहा इसको कि मुझे तुम देवी लगती हो और थोड़े ही दिन में मैंने देखा कि ये वाकई देवी के रूप में, मुझे ऐसा लगा कि हाय मैं ये देख रहा हूँ जो ये सच है। और बहुत साल बाद ऐसी खूबसूरत पर्सनालिटी मुझे नज़र आई, तो मुझे लगा कि ये गीत के लिए सही होगी है, और गीत का सम्मान जो आर्टिस्ट करते हैं और गीत के जो लफ्ज के हिसाब से वो वैसा लगे तो और अच्छा लगता है, तो मुझे ऐसा लगा कि वाकई लग रही है वैसी जैसा कि ये गीत है, तारीफ के लायक। ऐसे ही प्रार्थना है कि हमेशा ऐसी खूबसूरत थैंक्स फॉर द क्वेश्चन। मुझे पता था ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। मेरा करियर जो स्टार्ट हुआ था वो मायके से हुआ था। कहानी हमारे महाभारत की में मैं राधा बनी थी, और मुझे लगता है एक एक्टर वर्सेटाइल होता है, और अगर हम हर किरदार को अच्छी तरह से नहीं निभा पाए तो हम अच्छे एक्टर नहीं बन पाते। तो ऑब्वियसली मैं भगवान का कैरेक्टर कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ज़िंदगी भर भगवान बन के रहूँगी। वैसे तभी तय हो गया था जिस वक्त राधा बनी थी गोविंदा के साथ नाचेंगे। गोविंदा के साथ नाच तो रही है, लेकिन सर हम वीडियो देख रहे थे उसमें पार्टी करते करते अचानक हमें कोई बाबा नजर आए, तो वो अच्छा बहुत अच्छा प्रश्न है। रामदेव जी को प्रणाम किया है जो मुझे योगा सिखा रही है, वो रामदेव जी की चेली है, तो मैंने कहा कि मैं प्रणाम तो करके रहूँगा। ये जो काफ़ी वेट निकला है 33 किलो, इसमें मैं धन्यवाद दूंगा आपके वजह से, मैं धन्यवाद दे सकता हूँ। और मुझे लगता है कि योग हमेशा करता है, लेकिन इस तरह से मैंने कभी नहीं किया था, तो ये योग से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, और मैं प्राणायाम करता हूँ साथ, तो ये योग और प्राणायाम से मुझे फ़ायदा हुआ, तो रामदेव जी को धन्यवाद दिया है। अब ऐसे दिया है इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आगे की तो प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि मैं आया ही नहीं हूँ, अब आ रहा हूँ। तो एक्सपेक्टेशन मुझे लगता है लोग ज़्यादातर वो तुलना हो जाती है ना कि आप चीची भैया आ चुके हैं ऑलरेडी, शाहरुख हैं, संजय दत्त गा चुके हैं, आमिर भी गा चुके हैं, लेकिन आप मुझे यकीन मानिए तुलनाओं से बड़ा कष्ट होता है, और जो कामयाब है वो बड़ी ईश्वर की कृपा है। मुझे तो ऐसा लगता है जो स्टार है वो बहुत ही चांद की कृपा होती है, तो आदमी स्टार होता है, तो जितने स्टार हैं वो कृपया इस बात से खुश रहे कि वो स्टार हो गए। चांद की कृपा है तो वो स्टार है, तो वो चाहे जहाँ हैं वो जैसे हैं उसमें वो तुलनात्मक चीज़ों में वो नहीं पड़े। स्टार है बहुत बड़ी बात है, बड़ी माई की कृपा है, मुझे मेरी मम्मी का आशीर्वाद है जो मैं।